प्रोफेसर अपर्णा सोपोरी जी, डॉक्टर दक्षिणानंद रवि जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन श्री रोहित कंसल जी, स्पेशल DGCID श्री रश्मि रंजन स्वाइन साहब, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग भोले जी, यहाँ के DIG श्री सुजीत कुमार जी, DC श्रीनगर, SSP श्रीनगर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन श्री अक्षय लाबरू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी और ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, सोपोरी साहब के सभी परिजन, कार्यक्रम में उपस्थित युवा कलाकार, नेशनल एंथम कंपटीशन के सभी विजेता देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की है और सभी कार्यक्रमों में के प्रति प्रशासन का और डिपार्टमेंट का कमिटमेंट दिखाई पड़ता है, चाहे वो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी हो, पंडित भजन सोपोरी जी की स्मृति में तैयार ये ऑडिटोरियम हो, इंस्पायर जैन जी बीट्स ऑफ जम्मू कश्मीर को आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों, खासकर नौजवान पीढ़ी को समर्पित किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्सव और त्योहारों का रंग देकर नए जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने की एक नई पहल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने शुरू की है। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस वर्ष नेशनल एंथम कंपटीशन की दूसरी कड़ी के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और विनर्स के समर्पण और संकल्प की सराहना करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, महाभारत का एक प्रसंग है, आप में से जिन लोगों को थोड़ा स्मरण होगा महाभारत का, उसमें यक्ष और युधिष्ठिर का एक संवाद हुआ। पांडव वनवास में थे और युधिष्ठिर को छोड़कर पांडवों के सभी भाई मृत प्राय हो गए थे। आप में से कुछ लोगों ने इसे सुना होगा, पढ़ा होगा। यक्ष ने कई प्रश्न किए युधिष्ठिर से। यक्ष ने कहा कि अगर मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, इन प्रश्नों के सही सही उत्तर अगर युधिष्ठिर आपने दिया तो आपके सभी भाई जो मृत प्राय हैं जिंदा हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों का जिक्र मैं नहीं करूंगा, एक उसमें बड़ा कठिन प्रश्न है यक्ष प्रश्न में, उसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर यक्ष आज मुझसे सवाल करता श्रीनगर में किम आश्चर्यम, तो मेरा जवाब जानते हैं क्या होता, कि श्रीनगर में भी इस तरह के कार्यक्रम होने लगे लंबे समय बाद, इससे बड़ा आश्चर्य जम्मू कश्मीर और देश में कुछ हो नहीं सकता। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव आज़ादी की नई ऊर्जा, नए विचारों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता का अमृत है। नौजवान पीढ़ी के लिए यह जो अवसर है एक अमृत की तरह है, जो हर पल उन्हें जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए जीने, जम्मू कश्मीर और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। साथियों, युवावस्था जीवन के बसंत की तरह होता है, जब नौजवान अपने आप को ढूंढता है, या मैं कहूं कि सेल्फ डिस्कवरी की ये स्टेज है, जहां वो भविष्य के सपने बुनता है, तैयार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौजवानों के सपने सिर्फ
खुद तक सीमित नहीं होते, बल्कि उसमें समाज और राष्ट्र का हित भी शामिल होता है। मैं मानता हूं कि इंस्पायर जैन जी कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, नौजवानों की सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस को इग्नाइट करना। जो आदर्श उनके अंदर हैं, खिल रहे हैं, जिस सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उनके अंदर पनप रही है, उसे चेंज मेकर्स अचीवर्स के अनुभव से प्रत्यक्ष रूप से साझा करना एक अद्भुत प्लेटफॉर्म बना है। मैं इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को हृदय से साधुवाद देता हूं। जीवन का ये सबसे क्रिएटिव दौर होता है और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जो पहल की हर एक नौजवान के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। मैं मानता हूं कि आज आवाम में अगर कोई वर्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन है, उत्सुक है, तो वो यहाँ का युवा है। मुझे स्मरण है पिछले 2 वर्षों में अनेक इस तरह के कार्यक्रम हुए, वो चाहे वो मिशन यूथ हो, अभी आपने देखा शहीद इकबाल चौधरी को पिछले 1.5 सालों से मिशन यूथ ने भी नौजवान यहाँ का सेल्फ ग्रोथ अचीव करे इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक बात मुझे साफ तौर पर नजर आती है, आज यहाँ का युवा महसूस कर रहा है कि परिवर्तन जो हो रहा है इसे गति मिलनी चाहिए। मैंने महसूस किया है कि अधिक संकल्प शक्ति के साथ यहाँ का नौजवान सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचना चाहता है। वो भी महसूस करने लगा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान बात से समाप्त नहीं होने वाला है। मुख्य रूप से एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर अधिक से अधिक नौजवानों को मिलें, इसकी कोशिश हुई है। इस अवसर पर मैं सभी डिपार्टमेंट्स तथा आम नागरिकों से भी एक आग्रह करूंगा कि जो नौजवान जो बहने उत्पाद बना रही, सरकारी विभागों को भी उनकी खरीद करनी चाहिए, आम नागरिकों को भी उस उत्पाद की खरीद करनी चाहिए। बहुत से बच्चे हमारे, बहुत सी बच्चियां गारमेंट से लेकर हैंडीक्राफ्ट के छोटे छोटे यूनिट के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करने में लगे हैं। इस दीपावली पर जम्मू कश्मीर के लोकल उत्पादों को तरजीह दे करके आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करने में हम भी योगदान दें, इसकी आवश्यकता है। लगातार नौजवानों के संवाद के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि आज के इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में नौजवान खुले दिमाग से विभिन्न विचारधाराओं और संस्कृतियों से जुड़ा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे वातावरण में जेन जी यानी एनलाइटेंड जनरेशन भी है। नौजवानों का ख्वाब गरीबी, बेरोजगारी, असमानता से मुक्त समाज होगा। रचनात्मक चुनौतियों के माध्यम से उनके ख्वाब और समृद्ध समाज की उनकी प्रबल इच्छा कैसे पूरी हो, इसके लिए एक अनूठी पहल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने शुरू की है। नौजवानों की उम्मीदों और उनके ख्वाबों को शांति में ही पूरा किया जा सकता है, ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। पंथ और मजहब से ऊपर उठकर सभी नौजवानों को आवाम में अशांति फैलाने वाले तत्वों से भी निपटने की कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद और ड्रग एडिक्शन समाज के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में। यह अभिशाप है और डेवलपमेंट का, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। विविधता में एकता, आपसी प्रेम, भाईचारा हमारी संस्कृति में और स्वभाव में भी, लेकिन समाज में कुछ तत्व हैं जो अपनी गतिविधियों के कारण, मैं कहूं कि आतंकी गतिविधियों के कारण निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, और कुछ लोग हैं जो चोला बदल कर उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नौजवान मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों
कि असली सूरत समाज को बताने की जरूरत है। अंगुलियों पर गिने वाले चंद लोग लाखों नौजवानों की आकांक्षाओं और उनके सपनों को बंधक बनाना चाहते हैं, उनका गला घोंटना चाहते हैं। किसी भी सूरत में ये होने नहीं दिया जाएगा। हमें ये भी समझना होगा कि जो कुछ भी किया जा सकता है, जो कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं, उसकी संभावना सिर्फ भविष्य में है। अतीत में चाह कर भी रत्ती भर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और जो होने की संभावना है, कला उसकी असली अभिव्यक्ति है। बीट ऑफ जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कैसी पहल है जो नौजवानों को संगीत की परंपरा से जोड़ेगी और उनके टैलेंट्स को एक बेहतरीन प्लेटफार्म प्रदान करेगी। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कीर्तिमान विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया है, हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के प्रेरणा के स्रोत वही हो सकते हैं। मैं मानता हूं कला जीवन का सहज स्वभाव है और जीवन की परिपूर्णता भी यही है। एक वेस्टर्न साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे आर्थर एडिंगटन, उन्होंने लिखा था कि वो पूरी दुनिया को पहले एक सामान की तरह देखते थे, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट के पश्चात उन्हें लगता था कि दुनिया कोई सामान वस्तु नहीं है बल्कि एक विचार है। द वर्ल्ड इज लुकिंग नॉट लाइक ए थिंग बट लाइक ए थॉट। मैं समझता हूँ कला संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम उन्हीं विचारों का विस्तार और जीवन का उत्कर्ष है। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ें, कल्चरल रिवाइवल की दिशा में काम करें, इसकी कोशिश हो रही है और आने वाले समय में इसे और तेज किया जाएगा। आज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए उनसे भी मैं संक्षेप में कुछ बातें करना चाहूँगा। इस डिपार्टमेंट का हर एक कर्मचारी अधिकारी चाहे जिस रैंक पर काम करता हो, उसका पहला रोल मास्टर कम्युनिकेटर का होना चाहिए। आज़ादी के बाद जब इंफॉर्मेशन तथा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की स्थापना भारत में हुई, तब राज्य स्तर पर भी सरकार के प्लान, प्रोग्राम, पॉलिसी, एक्टिविटी और अचीवमेंट को जनता तक, सामान्य आदमी तक पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन की परिकल्पना की गई और बनाई गई। लंबे समय तक मास मीडिया के मात्र दो टूल्स थे, दो माध्यम थे, अखबार और रेडियो। उस समय भी अखबार गिने चुने होते थे, लेकिन उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। उस समय अखबारों के प्रभाव को देखते हुए अकबर इलाहाबादी ने दो लाइन लिखी कि खींचो न कमानों को न समाचार निकाल, न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। 70 के दशक में टेलीविज़न, 90 के दशक में इंटरनेट ने मीडिया के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। आज भारत का मीडिया विश्व का सबसे वाइब्रेंट मीडिया जाना जाता है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में आज बहुत कम संख्या के आधार पर नंबर दो पर हैं, आप नंबर एक भी मान सकते हैं। विश्व के तीसरे सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा ट्विटर यूजर्स हमारे देश में रहते हैं। यूट्यूब ऑडियंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 457 मिलियन यूजर्स के साथ पूरी दुनिया में हम नंबर एक हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा फेसबुक यूजर्स यानी 330 मिलियन यूजर्स हमारे देश में हैं और दूसरे स्थान पर हैं हम। विश्व में सबसे ज़्यादा 230 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स हमारे देश में। लिंक्डइन यूजर्स की दूसरी सबसे बड़ी संख्या ही भी हमारे देश में रहती है। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर्स यानी लगभग 390 मिलियन हिंदुस्तान में रहते हैं। स्नैपचैट में विश्व की सबसे ज़्यादा यूजर्स हमारे देश में रहते हैं।
इसके साथ ही साथ परंपरागत मीडिया सेक्टर में विश्व में सबसे ज़्यादा अखबार भी हिंदुस्तान में ही निकलता है और विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल का प्रसारण भी हमारे देश में होता है। इतने सारे मास मीडिया के टूल्स के उपलब्ध होने की वजह से जहाँ इंफॉर्मेशन भेजने में सुविधा हुई है, वहीं दूसरी तरफ डिस इंफॉर्मेशन की चुनौती भी खड़ी हुई है। प्रेस के अधिकार, सिविल राइट्स, प्राइवेसी, पत्रकारों के विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए जहां आपको सही सूचना पहुंचानी है, वहीं मुझे लगता है कि एक और जिम्मेदारी है, वो अनरेगुलेटेड वर्चुअल वर्ल्ड में डिसइंफॉर्मेशन की चुनौती से निपटना भी है आपको। मैं मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में यकीन रखता हूँ, लेकिन ये बात हमें बराबर ध्यान में रखनी होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी देश की अखंडता और अस्मिता से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई देश की अखंडता और अस्मिता का हनन करता है तो फिर हमें विचार करना होगा, और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जब अधिकार दिया तो वहीं इस बात का भी जिक्र किया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का भी प्राविधान किया। आप सभी को प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करना चाहिए, सही जानकारी उन लोगों तक पहुंचे ये कोशिश होनी चाहिए, साथ ही साथ आम जनता को प्रोपेगेंडा और अफवाहों से बचाया जा सके इसकी भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पश्चिमी देशों में आज अखबार और टीवी के मीडियम जो हैं ये अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। जम्मू कश्मीर की आबादी पड़ोसी राज्य पंजाब से आधी है, लेकिन पंजाब से जानते हैं ज़्यादा अखबार हमारे यहाँ निकलते हैं। पंजाब में आज की तारीख में 357 अखबार न्यूज़पेपर निकल रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 428 अखबार निकलते हैं। यह एक स्वस्थ और खुले लोकतंत्र की पहचान है। वेस्टर्न वर्ल्ड और उनकी मीडिया ने अपने आईने बेच दिए हैं, एक साजिश के तहत नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रेस को फ्रीडम नहीं है, और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से इस बात को चलाने की कोशिश होती है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। खुद अमेरिका की रिपोर्ट पढ़िए, एक साल में 57 जर्नलिस्ट वहाँ अरेस्ट हुए थे, और पूरे देश में अगर गत वर्ष भारत की मैं बात करूँ तो कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है फेक न्यूज़ के चार्ज पर। वैधानिक धाराओं के अंतर्गत 2020 में अमेरिका में 142 जर्नलिस्ट अरेस्ट किए गए, उस साल हमारे देश में मात्र 4 जर्नलिस्ट क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट हुए। इस साल अभी तक अमेरिका में 1632 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जर्नलिस्टों पर हमले से संबंधित हैं। मैं बाकी देशों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वहां की स्थिति अमेरिका से भी खराब है, गंभीर है। मैं समझता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फेक नैरेटिव को अब दुनिया भी समझ रही और हम भी समझ रहे हैं। बार बार लगातार अन्य देशों पर फोकस इसलिए किया जाता है ताकि अपने यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पर हो रहे अत्याचार को वो छुपा सकें। ये तथ्य सभी मास्टर कम्युनिकेटर्स को समझना होगा, जानना होगा, और फॉल्स प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना होगा। इसके साथ ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ज़्यादातर छवि समाज में क्या है कि यहाँ आइए तो यहीं से एडवर्टीजमेंट मिलेगा। आज इस छवि को बदलने का काम किया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। प्रेस नोट निकालना, विज्ञापन देना, समाज में एक भ्रांति थी कि यही दो काम है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, और आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को जवाब है जो ये धारणा पाले हुए थी। पिछले कुछ सालों में और विशेष
रूप से जब से अक्षय लाबरू ने इस काम को संभाला, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तेजी से बदल रहा, कंजम्पशन पैटर्न के साथ साथ अपने को रीओरिएंट करने की कोशिश का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों की मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी जनता तक उनकी सहूलियतों की जानकारी पहुँचाने के लिए कोई कैंपेन चले, उसके लिए प्रभावी तरीके निश्चित रूप से, ताकि सामान्य आदमी तक बातें पहुँच सकें, उस माध्यम का चयन करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर बीट ऑफ जम्मू कश्मीर को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए, अभी जब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बोल रहे थे, उन्होंने कई माध्यमों का जिक्र किया। सबसे बड़े माध्यम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसका प्रयोग हम करेंगे या नहीं करेंगे। अखबार के द्वारा आप जिस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं वो संभव नहीं है आज के दिन में। हमें ध्यान रखना है, मीडियम इज द मैसेज, इसलिए सही मास मीडिया टूल्स का चयन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ अग्रिम। हर एक व्यक्ति में चिंगारी बनने की संभावना जैसे पत्थरों में आग दबी होती है, और दो पत्थर जब आपस में टकराते हैं तभी आग पैदा होती है, वैसे ही विचारों, कला, संस्कृति का आदान प्रदान इंसान के अंदर ज्योति पैदा करती है। हम सबके प्रयास लोगों के अंदर ज्योति जगाने वाली चिंगारी बने। मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूँ और इस उल्लेखनीय पहल के लिए इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और बहुत लोगों ने कई पंक्तियाँ पढ़ी, संचालक महोदय लगातार तो दो पंक्ति कह के मैं भी ख़त्म करूँगा कि जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है।